नमस्कार दोस्तों, जिस बात का हमें बेसब्री से इंतजार था वो बात आज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कल जो भारत और भारत का T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन होने वाला था वो कल नहीं हुआ, लेकिन वो आज अभी कुछ ही देर पहले इस टीम का ऐलान हो चुका है और काफ़ी बड़े बड़े और चौंकाने वाले डिसीजन इस टीम में हुए दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फिलहाल बताता जाऊँगा। सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले चौंकाने वाले जो डिसीजन है वो है स्टैंड बाय। जी हाँ दोस्तों, स्टैंड बाय में कुछ प्लेयरों का रखने का कुछ दिनों से चलन हो रहा है COVID-19 की वजह से। तो इस बार भारत में स्टैंड बाय में जो प्लेयर रखे, तीन प्लेयरों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है शार्दुल ठाकुर का। जी हाँ दोस्तों, अटकलें लगाई जा रही थी शार्दुल ठाकुर को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए T20 वर्ल्ड कप में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको जगह नहीं मिली, उनको स्टैंड बाय में रखा गया है। उसके बाद उनके साथ साथ एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर जो काफ़ी दिनों से भारतीय टीम में खेल रहे हैं, उनको भी स्टैंड बाय में रखा गया है, उनको भी मेन टीम में नहीं लिया गया है। तो ये भी काफ़ी बड़ा फैसला था जो काफ़ी चौंकाने वाला था, किसी को इसके बारे में अपेक्षा भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये काफ़ी बड़ा फैसला हुआ। उसके बाद तीसरे जो प्लेयर स्टैंड बाय में रखे गए वो भी काफ़ी बड़े प्लेयर है, वो है दीपक चहर। जी हाँ दोस्तों, इनको भी हो सकता था कि लिया जा सकता था टीम में, लेकिन इनको भी स्टैंड बाय में रखा गया। तो ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेन जो टीम है घोषित हुई है उसके बारे में। सबसे पहले उसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, दो फैसले यहाँ पे जो हुए हैं वो काफ़ी, मतलब मुझे लगता नहीं कि अच्छे डिसीजन हुए, काफ़ी बड़े फैसले हैं। जो दो प्लेयरों को बाहर रखा गया टीम से वो है सबसे पहले यजुवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको भी टीम में बाहर रखा गया, ना ही उन्हें स्टैंड बाय में लिया गया, ना ही उनको मेन टीम में लिया गया। उसके साथ साथ शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है और ICC के टूर्नामेंट में खासकर उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, उनको भी इस टीम में भी नहीं रखा गया और स्टैंड बाय में भी उनका नाम नहीं रखा गया। तो काफ़ी बड़े बड़े फैसले हुए, काफ़ी मुश्किल फैसले हुए, तो जो कि शायद दर्शकों को पसंद ना आए। दोस्तों आप एक बार देख लेते हैं टीम किस तरह से सिलेक्ट की गई है। सबसे पहले विराट कोहली, ऑफकोर्स भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली होंगे, विराट कोहली को टीम में जगह दी गई है। उसके बाद रोहित शर्मा भारतीय टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे दोस्तों, रोहित शर्मा। उसके बाद टीम में जगह मिली है KL राहुल को। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस वजह से शायद उनको टीम में जगह मिल गई है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे ही टीम में। उसके बाद ऋषभ पंत और ईशान किशन, दो विकेट कीपर को इस टीम में जगह मिली है। और ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या को इस टीम में फिर से जगह मिल गई है। रविंद्र जडेजा को भी इस टीम में रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल चहर को भी इस टीम में रखा गया है और वरुण चक्रवर्ती को भी इस टीम में जगह मिली है। ये थोड़ा चौंकाने वाला डिसीजन जरूर है, लेकिन उसके बाद और एक डिसीजन है जो रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को भी इस टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, ये तीनों भी भारतीय टीम में रहने वाले हैं। तो इस तरह से है, ये जो भारतीय टीम घोषित की गई है वो इस तरह से थी, वो स्टैंड बाय के तीन प्लेयर थे। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भारतीय टीम है और स्टाफ को मिलाकर कुल 30 प्लेयरों की, मतलब 30 सदस्यों की टीम घोषित हुई है, जिसमें से मतलब जो भी प्लेयर बायो बबल में रहेंगे वो भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, ये भी एक रूल बनाया गया है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होने वाला है, ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और दोस्तों और काफ़ी अच्छी घमासान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर भारत की बात कर लेते तो भारत का पहला मैच अपने काफ़ी ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ पहला ही मैच होने वाला है दोस्तों, और ये मैच 24 अक्टूबर को आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मैच होगा दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही, आज तक वर्ल्ड कप में एक भी बार भारत पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान भारत को हराने में नाकाम रहा है हमेशा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको टीम में क्या चौंकाने वाले फैसले लगे, किसको आप
लेना चाहिए था और कौन से जो प्लेयर है वो डिजर्विंग नहीं करते थे फिर भी उनको लिया गया है। तो ये सभी सवालों के जवाब मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो कीजिए ही, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।